तुलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है? जिसे ठोस पदार्थ पिघल गया और ये द्रव जो है ये वाष्प में बदल गया, मतलब ठोस को ऊष्मा मिली और ये पिघला और द्रव को ऊष्मा मिली तो ये वाष्प में बदल गया, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर ये गलनांक जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये क्या है? वास्तव में मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक तापमान है, टेम्परेचर है। अभी कौन सा टेम्परेचर है? तो जो गलनांक होता है वो ऐसा टेम्परेचर या तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर या जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर क्या बनता है, द्रव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब मेल्ट होना मतलब पिघलना, तो वो ठोस पिघलकर क्या बनता है? द्रव बनता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और फिर क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिसमें द्रव क्या होने लगे, उबलने लगे, तो हम कहेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, बॉइल होने लगता है, उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए, मेल्ट मतलब पिघलना, तो ठोस पिघलकर जब द्रव बन जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। और वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव बॉइल होने लगे, उबलने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो यह है हमारा गलनांक और क्वथनांक में पहला अंतर। अब गलनांक किसका होता होगा? डेफिनेटली गलनांक जो है वो ठोसों का होता होगा। और क्वथनांक किसका होता होगा? तो क्वथनांक किसका होता होगा? क्वथनांक द्रवों का होता होगा। तो ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। तो ये तो बहुत ही आसान बात है, क्योंकि हम यहां ठोस की बात करेंगे। ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना, तो उसे गलनांक कहते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव बॉइल होने लगे, बॉइलिंग पॉइंट है ना, द्रव उबलने लगे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना। तो ये किसका होगा? द्रवों का होगा, क्योंकि यहाँ बात द्रवों की हो रही है। तो क्वथनांक किसका होता है? द्रवों का होता है। और गलनांक किसका होता है? ठोसों का होता है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जैसे यहां हम देखें तो हम देखते हैं कि ठोस को क्या होता है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलती है, और ठोस किस में बदलता है? द्रव में बदलता है, ठीक है ना भाई। ठोस को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस रूप में मिलती है? हीट करते हैं। तो ठोस को जब आप हीट करते हैं, है ना, गर्म करते हैं, तो हीट के रूप में या ऊष्मा के रूप में उसको एनर्जी देते हैं, तो वो किस में बदलता है? द्रव में। और द्रव को फिर अगर आप हीट के रूप में एनर्जी देंगे या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अरे भाई, आप जो है अगर बर्फ को बाहर खुला छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो क्या करेगा? वो पिघल जाएगा। मतलब उसने क्या किया? ऊष्मा ले ली, है ना। ऊष्मा ली किस रूप में? ली एनर्जी के रूप में, एनर्जी किस रूप में ली? हीट के रूप में, और ले ली और वो पिघल गया, तो वो किस रूप में आ गया? द्रव रूप में। और अगर आप उसको और एनर्जी दे दें, है ना, तो उसको आप गर्म करने लगे, तो क्या होगा? वो गैस रूप में बदलने लग जाएगा, वो वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। तो ये सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि ठोस को अगर आपने ऊष्मा दी तो वो द्रव में बदल रहा है, और द्रव को ऊष्मा दी तो आप वो गैस में बदल रहा है। मतलब ठोस को एनर्जी देने पर द्रव बन रहा है, और द्रव को एनर्जी देने पर गैस बन रहा है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, हमें इसे समझना होगा कि जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या दर्शा रहा है। वो दर्शा रहा है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसका सामर्थ्य कितना है। ये कौन बताता है? गलनांक बताता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है। मतलब उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए कितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगी, कितनी ऊर्जा आपको देना पड़ेगी। जितना ज्यादा आकर्षण बल का सामर्थ्य होगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी। तो ठोस कितने बदलेगा? द्रव में बदलेगा। तो गलनांक क्या बताता है? गलनांक बताता है ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को। और क्वथनांक क्या बताएगा? क्वथनांक बताएगा, देखिए ठोस की जगह आप लिख दीजिएगा द्रव, तो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताएगा। तो देखिए क्या चेंज आया है, यहाँ ठोस की जगह क्या लिखा है? द्रव। यहाँ भी ठोसों की जगह क्या लिखा है? द्रवों, ठीक है ना।
तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि गलनांक जो है वो ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है, और क्वथनांक द्रव पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है कि ये द्रव के जो कण है इनके आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है, मतलब उसको कितनी हीट देना पड़ेगी कि वो द्रव से किस रूप में बदलेगा, गैस रूप में बदलेगा या वाष्प रूप में बदलेगा। तो इस तरीके से ये गलनांक और क्वथनांक का अंतर हम समझ सकते हैं कि गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वह जिसमें द्रव उबलने लगता है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।